हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ हम कैसे बना सकते हैं मैजिक वॉल हैंगिंग। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से दे देना, और वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक भी दे देना। और नीचे जाके मुझे कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो वो टॉपिक मैं आपके लिए एब्सोल्युटली लेके आऊँगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गो। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है और कार्डबोर्ड में एक मून शेप के ये काट दिया, एक मून शेप काट दिया है। तो आपको भी इस तरह से काटना है। आप कोई भी कार्डबोर्ड लेके काट सकते हो। अभी हम फ्लावर की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो मैंने ये पेपर लिया है, इसे आपको ऐसे फोर फोल्ड करना है। हम फ्लावर बना रहे हैं इस वजह से इसे हमने फोर फोल्ड कर दिया। उसके बाद हम इसे कट कर देते हैं। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, ओके। तो मैंने इस तरह से कुछ काट लिया है। तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये शेप आएगा हमें स्क्वायर शेप चाहिए। इसको मैं साइड में रख देती हूँ, उनको ये इस तरह से आपको करके फिर इसको यहाँ से बराबर कट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से हमने कट कर लिया। मैंने ऐसे ही अपने चारों पीसेस को कट कर दिया, आप देख सकते हो। अब मैं आपको इसका फूल बना के दिखाती हूँ। ये हमने इसको ऐसे किया, फिर इसको ऐसे एक और फोल्ड मारा, ठीक, और इसको एक और फोल्ड मारा। फिर इसमें हम एक फ्लावर का शेप ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। एक सेकेंड, लाइक इस तरह से करेंगे जैसे हमें लीफ चाहिए वैसे। और इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, ओके। सो देखो मैंने इसे कट कर दिया है, ओके। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ये इस तरह से हो गया। तो मैं आपको दूसरा फ्लावर भी वैसे ही रेडी करके दिखाती हूँ, ओके। उसके बाद हमें एक छोटा फ्लावर भी रेडी करना है जो उसके थोड़ा कम साइज का होगा। इसको इस तरह से फोल्ड किया, ओके। एंड उसके बाद इस पर एक ड्रॉ मारा, इसे हम कट कर देते हैं। इसे भी हमने ओपन कर दिया और ये ऐसे रेडी हो गया। ऐसे हमारे पास चार हैं। और ऐसे आपको पूरे इस मून पर के पूरे मून तक के इसको बनाना है, क्योंकि इसे हमें इस तरह से कुछ लगाना है। इस पर और भी लगेंगे तो मैं वो सब रेडी कर लेती हूँ, ओके। सो लेट्स गो। तो मैंने ये काट के बना दिए हैं फ्लावर्स, ओके। सो ये सारे फ्लावर्स तो इस पर लगेंगे, तो इसके ऊपर भी और फ्लावर्स लगेंगे। हमारे पास और पेपर्स जो हैं कलरफुल, आप चाहो तो जो क्राफ्ट पेपर होते हैं उसके यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर बड़े पेपर हो तो और भी अच्छा। सो मैं आपको करके दिखाती हूँ क्राफ्ट पेपर के, ओके। सो हम एक पेज लेते हैं, इसे कुछ इस तरह से फोल्ड करना है और इसे इस तरह से इसे फोर फोल्ड्स कर देना। उसके बाद हम इसे के फोर कट्स ले लेते हैं, ओके। हमने फोर कट्स ले लिए, ये टू कट्स हो चुके हैं। अब मैं इसके आपको एक फूल बना के दिखाती हूँ, उसको फिर आपको बनाना है। सारे छोटा बनाना है क्योंकि इसके अंदर जाएगा वो। सो इसको मैं पहले आपको ड्रॉ कर देती हूँ। ये देख लीजिए, दिख गया। सो इसको मैं कट कर देती हूँ। तो ये हमारा फूल रेडी हो गया, ठीक है। अब इसको हम किसी भी एक इस पर लेके इस तरह से चिपका देंगे। मैं आपको चिपका के दिखाती हूँ, इसे मैं चिपका दूँ। तो इस पर चिपका दिए और फिर इसके ऊपर हमें ऐसा, आपके पास डायमंड होगा या इससे छोटा पैकेट होगा तो उसमें से एक डायमंड चिपकाना है।
मेरे पास एक डायमंड है, इसमें से छोटा सा डायमंड बीच में चिपका देती हूँ। ऐसे ही आपको सारे रेडी करना है, तो मैं आपको ये सारे फ्लावर्स रेडी करके दिखाती हूँ। सो लेट्स, सो ये हो गया, मैंने ये सारे बना दिए हैं इसके ऊपर। हम इससे इसको चिपकाने से पहले हमें एक काम करना है, ये हमारा मून हो गया या मेरे फ्लावर हो गए, इसको हम थोड़ा साइड में रख देते हैं। हमें कौन सा भी एक पेपर लेना है, मैंने मेरे स्कूल के क्वेश्चन पेपर से लिया है, इसे हमें रोल करना है इस तरह से। इसका जो लिखा हुआ पार्ट है उसको हमें रोल कर देना है ना, पतली स्ट्रिप में इसे इस तरह से रोल करना है, और फिर इसे चिपका देना, चिपका दी ओके। और ऐसे ही हमारे पास इतने पेपर से इसके रोल करना है, मैं आपको रोल करके दिखाती हूँ ओके। सो ये यहाँ पे हो गया, हमारे रेडी हो गया है। सो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ क्या करना है। ये मून लिया हमने ओके, तो इसको हमें इस तरह से ऐसे कुछ इसको सीधे चिपकाना है, ठीक है। मैं आपको चिपकाती हूँ, चिपका के दिखाती हूँ ओके। पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे, इसे अच्छे से बंच करते, अच्छे से दबा देना, वरना निकल गया तो प्रॉब्लम होगी। इसको भी आप एक काम कर सकते हो, या तो बस कोई यूजफुल या फिर कोई खराब पेपर होगा तो उसको स्क्वायर की शेप में काट के इस पर ग्लू लगा के ऐसे इस पर लाइक टेप, आपके पास टेप होगा तो उससे भी चिपका सकते हो, मेरे पास है बट मैं इससे चिपका लूँ। सो इसको भी हमको वैसे ही चिपकाना है, मैं यहाँ पर ग्लू लगा देती हूँ। मैं इसे आपको चारों चिपका के दिखाती हूँ साथ में। तो इसको हमने ऐसे चिपकाया, मैं सारे आपको चिपका के दिखाती हूँ ओके। सो मैंने ये सारे चिपका दिए हैं जैसे बोला था। अब ये तो चिपक गया, उसके बाद हमें इस पे इसको फ्लावर्स चिपका देने हैं ओके। तो मैं आपके सामने फ्लावर्स सारे चिपका देती हूँ ओके। सो इसको मैंने यहाँ पे चिपकाया, अच्छी तरह से चिपका दीजिए। मेन काम बचा हुआ है, सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अच्छे से ग्लू लगाना वरना निकल जाएगा, तो वैसे भी फाट उड़ेगी। और एक लास्ट फ्लावर इधर लगेगा, ठीक है, इधर मैं ग्लू लगा देती हूँ। सो इधर लग गई, अच्छी तरह से चिपक जाने दीजिए, थोड़ा चिपक गए ओके। तो अभी ये स्ट्रिप्स हैं, अभी इन्हें बराबर इसे सर्कल में काटना है। मैं आपको ड्रॉ करके देती हूँ, जैसे हम मून पूरा गोल कैसे होता है, मैं वैसे ही ले रही हूँ इसको, ऐसे इधर से, इसको इधर से, इसको इधर से, इतना पूरा काट देना है। मैं आपको काट के दिखाती हूँ ओके। सो मैं आपको काट के दिखाती हूँ ये। सो मैंने ये कर दिया है, ये मैंने अच्छे से काट दिया है, ठीक है। आपको भी इस तरह से काटना है, उसके बाद इसे साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए। और हम धागा ले लेते हैं अपनी मन पसंद का, ठीक है। मेरे पास इतने सारे धागे, आपके पास जो कलर का धागा आपको पसंद आया वो, मैं ये नॉर्मल सा धागा ले लेती हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो इसी साइड में रखते हैं, एक सेकेंड, ये जो धागा है इसे हम लेने वाले हैं। सो इसके हिसाब से हमें इस धागे को लेना है, ठीक है। मतलब ये इसकी लंबाई आपको कितनी चाहिए, हम इस धागे को बाद में लेते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़, मेन चीज़ बता देती हूँ। आपके पास ऐसा पेपर तो होगा इसी कलर का ओके। सो इसे हमें क्या करना है, इसे हमें इस तरह से कट करना है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इसमें आपको इसकी इजी टेक्निक बताती हूँ, दो मिनट लगेगा। उसका पहले तीन बार टू टू फोर टाइम फोल्ड करके दो मिनट में इसको ऐसे 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 कट कर लीजिए। सो ये कट हो गया, फिर हम ओपन कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, एकदम गोल गोल रेडी हो गए, ठीक है। इसको हमें फिर इसको ऐसे फोल्ड कर देना है गोल गोल इस तरह से। और यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगा के इस
इसको एंडिंग दे देनी, मतलब चिपका देना। सो ये हमारा ऐसा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके ऐसा पेपर बचा होगा जो हमने इसमें यूज़ किया था, उसका उनका इस तरह से इसके साइज़ का मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा इतना साइज है, तो यहाँ से मैं एकदम सीधा ऊपर मारूंगी, ठीक, और उसे इसमें इसे गोल राउंड करके चिपका दूंगी। पर इसको जब हम चिपकाएंगे ना, तब हमको इस धागे को भी इसके अंदर डाल देना है, ताकि ये धागा भी चिपक जाए। मैं आपको इसको एक साथ में चिपका के दिखाती हूँ, ठीक है। सो ये मैं आपको चिपका के दिखाती हूँ। तो मैंने ये रेडी कर दिया है, मैंने ये तीनों भी रेडी कर दिया और चिपका भी दिया इन्हें। तो मैं आपको चिपका के कैसे चिपकाते हैं वो आपको बता देती हूँ, ठीक है। मैंने पीछे के साइड से चिपकाया, इस धागे को मैंने इसके अंदर डाल के यहाँ पे स्टिक कर दिया है, ठीक है। तो ये इस तरह से चिपक गया है, मैं आपको इस साइड में दिखा रही हूँ, यहाँ पे कैमरा कीजिए, ये इस तरह से चिपक गया। सो अभी इसमें एक और चीज करना बाकी है, ठीक। मैं आपको बता रही हूँ, आपके पास ये वाले कलर का पेपर होगा, हमें एक स्क्वायर शेप में काटना है एक स्क्वायर पीस। सो ये यहाँ से एक और एक यहाँ से, ऐसे तीन पीसेस काटने, ओके। और इसके अंदर इसको इसे बंद कर देना है, क्योंकि ये धागा दिख नहीं रहा, ट्रांसपेरेंट हो गया। सो इसको ऐसे चिपका देना, मैं आपको चिपका के दिखाती हूँ। इस तरह से दोनों से मैं ग्लू लगाना है, ओके। इसे आपको इस धागे के जिधर आपको चिपकाना है, मतलब धागा किधर है, ये भी इधर मैंने इसको ऐसे चिपका देना है, ठीक है। ये हमने चिपका दिया, और अभी इसका भी और एक काटते हैं वैसे स्क्वायर। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको इसके अंदर डालना है हमें ग्लू, ओके। अच्छे से ग्लू डाल दिया मैंने, उसके बाद इसको इसमें वैसे ये वाली इधर की, तो ये वाली थोड़ी इस तरह से इसको भी मैंने वैसे चिपका दिया, ओके। अब ये चिपक गया, ये चिपक गया, अब इसको इसके इक्वल में चिपकाना, ठीक है। इसको मैंने इसके इक्वल में चिपकाया, और फिर ये चिपक गया, सब चिपक गया अच्छे से। तो इन तीनों पे मैंने एक एक डायमंड चिपका देना है, इधर एक डायमंड, इधर एक डायमंड, और इस साइड में एक डायमंड। ये हमारा वॉल हैंगिंग बन गया है, और इसको आगे से हम धागा लगा देंगे, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, पूरा ऐसे दीवार पे लटकाए हुए अच्छे से। सो चलो चलते हैं, लेट्स गो।